कोरोनाचा फटका संपूर्ण देशाला बसल्याचं पाहायला मिळतंय. देशात लॉकडाऊन पुकारण्यात आलाय तर या लॉकडाऊनमुळे अनेक ठिकाणी नागरिक अडकून पडलेत. आसामच्या गुवाहाटीमध्ये काश्मीरमधील 13 नागरिक अडकलेत तर ते गुवाहाटीमध्ये एका एक्सपोजसाठी आले होते. मात्र लॉकडाऊनमुळे ते आसाममध्ये अडकलेले. त्यांना आसाम सरकारकडून आवश्यक त्या सेवा पुरवण्यात येतात याबद्दल या नागरिकांनी आसाम सरकारचे आभार मानले. हम लोग कश्मीर श्रीनगर के हैं, गांधरबल हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है. हम लोग यहाँ पे एग्जीबिशन कर रहे थे, जैसे हम लोगों का कश्मीरी गुड्स होता है. और ओब्वियसली हम लोग यहाँ में फंसे हुए थे. 21 को हम लोग एक्सपो ख़त्म हुआ, 22 से लॉकडाउन हुआ, उसके बाद हम लोग यहाँ में फंसे हुए हैं. और उसके बाद हम लोगों का जो रहना खाना पीना था वो भी हमारे पास तब तक अवेलेबल था. और हम लोगों को जो बैकग्राउंड फैमिली भी हम लोग पालते हैं, हम लोगों का ऐसा कोई वो नहीं है खाली यहाँ में कमा के हम लोग फैमिली को खिलाते हैं. हम लोगों का बैकग्राउंड वही है. और उसके बाद जब ये लॉकडाउन हुआ उसके बाद हमने सबसे पहले श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ोन किया, हम लोग यहाँ में फंसा हुआ है, हमारे लिए कोई आप कर दीजिए इंतज़ाम. उसके बाद जो श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने दिल्ली हमारी बात करा दी, तो दिल्ली वालों ने उसके बाद हमको यहाँ का रेफरेंस दे दिया, एक तो नंबर उन्होंने दे दिया, तो हमने उस नंबर पर कंटेक्ट कर दिया. वो SHO गुरचुक जो थे उन्होंने यहाँ पर आके पहले हम लोगों को देखा यहाँ में, हम लोग कहाँ से हैं क्या कर रहे हैं, हम लोगों का बायोडाटा देख के उन्होंने अभी हम लोगों को ये सब राशन दिया है. और उसके लिए हम लोग आसाम गवर्नमेंट और स्पेशली SHO गुरचू को बहुत थैंकफुल है, उन्होंने हम लोगों का इतना मदद किया है.